नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल मेक फॉर मनी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि Facebook ID का मोबाइल नंबर आप किस तरह से चेंज कर सकते हो। दोस्तों, मान लीजिए आपने किसी भी मोबाइल नंबर से अपनी Facebook ID बनाई है, वो किसी कारणवश आपका मोबाइल या तो फिर आप उसे यूज नहीं करते या फिर वो बंद हो गया। तो दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि हम अपने मोबाइल नंबर अगर चेंज कर लेंगे तो दोस्तों आपकी Facebook ID भी सेफ रहेगी, उससे आप आसानी से अपने Facebook ID को लॉगिन या फिर लॉग आउट भी कर सकते हैं। तो चलिए, किस तरह से आपको अपने मोबाइल नंबर चेंज करना है, स्टेप बाय स्टेप वीडियो की तरफ पढ़ते हैं। तो दोस्तों, सिंपली आपको अपनी Facebook की ऑफिशियल ऐप में अपनी Facebook ID को ओपन कर लेना है। तो फिलहाल मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है। उसके बाद यहाँ पर आपको राइट साइड में एक 3 डॉट का ऑप्शन दिखाई देगा ऊपर की तरफ, तो वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक कर देने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो दोस्तों, नीचे से आपको सेकंड नंबर पर एक सेटिंग एंड प्राइवेसी का ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे इस पर क्लिक कर देंगे तो दोस्तों सेटिंग एंड प्राइवेसी के जस्ट नीचे ही आपको एक सेटिंग का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर आपको कई तरह के ऑप्शन देखने को मिलेंगे, लेकिन दोस्तों आपको जो फर्स्ट में पर्सनल इन्फॉर्मेशन का जो ऑप्शन है, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, इस पर जो आपकी जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, जैसे नाम हो गया, नाम चेंज कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस चेंज कर सकते हैं, मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फ़िलहाल आपको मोबाइल नंबर की बता रहा हूँ। तो सिंपली आपको इस मोबाइल नंबर पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर जो आपको पुराना मोबाइल नंबर है वो यहाँ से आपको रिमूव कर देना है। तो जैसे ही आप फर्स्ट में आपको मोबाइल नंबर दिख रहा है, जस्ट इसके नीचे आपको एक रिमूव का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। आपको इस रिमूव पे क्लिक करके यहाँ पर आई अंडरस्टैंड आई कुड लॉस्ट एक्सेस टू माय अकाउंट पे रिमूव नंबर पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपका जो भी पासवर्ड है यहाँ पर फिल कर देना है, जो भी आपके Facebook ID का पासवर्ड है। तो दोस्तों, उसके बाद जो भी आपके Facebook ID का पासवर्ड यहाँ पर फिल कर देना, उसके बाद आप रिमूव फ़ोन नंबर पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक कर देने के बाद दोस्तों आपका जो पुराना मोबाइल नंबर है वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ से आपको जो आपने जो नया नंबर ऐड करना है अपने Facebook ID में, वो यहाँ आप टाइप कर दीजिए। तो दोस्तों, मैंने जो नंबर ऐड करना है अपना, वो यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ। तो दोस्तों, सिंपली मैंने वो अपना नया मोबाइल नंबर यहाँ पर ऐड कर दिया है और इस पर ऐड नंबर पे क्लिक करके यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जो भी आपने जो न्यू मोबाइल नंबर ऐड किया है उस पर दोस्तों एक OTP जाएगा, जिस पर कुछ 6 अंक का एक कोड मिलेगा, वो यहाँ पर फिल करना पड़ेगा, जिसके कारण आपका ये मोबाइल नंबर कन्फर्म होगा। तो यहाँ पर हमारे पास OTP भी आ गए हैं, तो यहाँ पर आए हैं 4118 और उसके बाद आप यहां से कंफर्म पे क्लिक कर देना है। और इस पर कंफर्म पे क्लिक कर देने के बाद दोस्तों आपका जो मोबाइल नंबर है वो सिंपली यहां से चेंज हो गया। अब सिर्फ आपको बस इस क्लोज पे क्लिक कर देना है और दोस्तों जो आपका जो पुराना मोबाइल नंबर था वो यहां से रिमूव हो जाएगा और यहां पर सिंपली दोस्तों आपको देखने को मिलेगा जो आपने नया नंबर ऐड किया था वो यहां पर आसानी से ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो में अगर कोई सुझाव हो या फिर आपको कोई प्रॉब्लम लगे तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, और चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।